पहाड़ के ऊपर से रास्ता बनाकर मजदूरों को निकालने की तैयारी। मैनुअल ड्रिलिंग के लिए सेना को बुलाया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तरकाशी की सिकियारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए शुक्रवार 24 नवंबर से बंद पड़ा रेस्क्यू वर्क आज फिर शुरू हो गया। मजदूरों तक पहुंचने के लिए अब पहाड़ की चोटी से वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। इसके लिए जरूरी मशीनरी रविवार दोपहर को ही पहाड़ की चोटी पर पहुंची थी। वर्टिकल ड्रिलिंग के तहत पहाड़ में ऊपर से नीचे की तरफ बड़ा होल करके रास्ता बनाया जाएगा। हालांकि इसमें काफी खतरा है क्योंकि खुदाई के दौरान बड़ी मात्रा में मलबा गिरने की आशंका है। ड्रिलिंग में कितना समय लगेगा इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है। आज टनल में फोन भी लैंडलाइन भी डाली जाएगी, इससे मजदूर अपने परिवार से बात कर सकेंगे। टनल में फंसे मजदूर तक पहुंचने में कामयाबी न मिलने के बाद प्लान बी के तहत वर्टिकल ड्रिलिंग की योजना बनाई गई थी। इस काम को सतलुज विद्युत निगम लिमिटेड अंजाम दे रहा है। इससे पहले बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवानों ने पेड़ काटकर पहाड़ की चोटी तक भारी मशीनरी ले जाने का रास्ता तैयार किया था। टनल में फंसे मजदूरों तक पहुंचने के लिए अमेरिकन ऑगर मशीन के जरिए खुदाई करके रेस्क्यू पाइप डाले जा रहे थे। शुक्रवार को मजदूरों की लोकेशन से महज 10 मीटर पहले मशीन की ब्लेड्स टूट गई थी, इस वजह से रेस्क्यू रोकना पड़ा था। इसके बाद मशीन के बजाय मैनुअल ड्रिलिंग कराने का फैसला किया गया। मैनुअल ड्रिलिंग के लिए सेना को बुलाया गया है। मैनुअल ड्रिलिंग से पहले ऑगर मशीन में फंसे हुए शाफ्ट और ब्लेड्स को निकाला होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर मशीन के टुकड़े सावधानी से नहीं निकाले गए तो इससे सुरंग में बिछाई गई पाइपलाइन टूट सकती है। इसके हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मंगाया गया है। दरअसल 21 नवंबर से सिलकियारा की तरफ से टनल में हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जा रही है। इसमें काफी हद तक कामयाबी मिली। 60 मीटर के हिस्से में से 47 मीटर तक ड्रिलिंग के जरिए पाइप डाला जा चुका है। मजदूरों तक करीब 10 से 12 मीटर की दूरी रह गई थी, लेकिन शुक्रवार शाम को ड्रिलिंग मशीन के सामने सरिये आ जाने से ड्रिलिंग मशीन की शाफ्ट उसमें फंस गई। जबकि मशीन से और प्रेशर डाला गया तो शाफ्ट टूट गई। इसका कुछ हिस्सा तोड़कर निकाला गया, लेकिन बड़ा हिस्सा अभी भी वहीं अटका हुआ है। इसे मैनुअल ड्रिलिंग कर निकाला जाएगा, फिर आगे खुदाई की जाएगी। दरअसल पाइप में एक ही व्यक्ति जा सकता है और खुदाई कर सकता है, इसलिए ऐसा करने में काफी वक्त लग सकता है। सिलकियारा सुरंग में पानी के रिसाव का खतरा बढ़ सकता है। शनिवार को सुरंग के मुहाने के पास ही पानी निकलता नजर आया। रेस्क्यू टीम और एक्सपर्ट्स इससे ऑपरेशन में मुश्किल आने की बात कह चुके हैं। वहीं पानी के साथ मिट्टी के गीले होने पर सुरंग में मलबा धंसने की आशंका जताई जा रही थी। सुबह ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ तो ऑगर मशीन के रास्ते में स्टील के पाइप आ गए, जिसके चलते पाइप मुड़ गया। स्टील के पाइप और टनल में डाले जा रहे पाइप के मुड़े हुए हिस्से को बाहर निकाल लिया। ऑगर मशीन को भी नुकसान हुआ था, उसे भी ठीक कर लिया गया। इसके बाद ड्रिलिंग के लिए ऑगर मशीन फिर मलबे में डाली गई, लेकिन टेक्निकल ग्लिच के चलते रेस्क्यू टीम को ऑपरेशन रोकना पड़ा। उधर एनडीआरएफ ने मजदूरों को निकालने के लिए मॉक ड्रिल की। अमेरिकी ऑगर ड्रिल मशीन 3 बार रोकनी पड़ी। देर शाम ड्रिलिंग के दौरान तेज कंपन होने से मशीन का प्लेटफॉर्म धस गया। इसके बाद ड्रिलिंग अगले दिन की सुबह तक रोक दी गई। इससे पहले 1.8 मीटर की ड्रिलिंग हुई थी। मजदूरों को नाश्ता, लंच और डिनर भेजने में सफलता मिली। सिलकियारा की तरफ से ऑगर मशीन से 15 मीटर से ज्यादा ड्रिलिंग की गई। मजदूरों के बाहर निकलने के मद्देनजर 41 एम्बुलेंस मंगवाई गई। डॉक्टरों की टीम को टनल के पास तैनात किया गया। चिलियानी सॉड में 41 बेड का हॉस्पिटल तैयार करवाया गया। एंडोस्कोपी के जरिए कैमरा अंदर भेजा गया और फंसे हुए मजदूरों की तस्वीर पहली बार सामने आई। उनसे बात भी की गई। सभी मजदूर ठीक हैं। मजदूरों तक 6 इंच की नई पाइपलाइन के जरिए खाना पहुंचाने में सफलता मिली। ऑगर मशीन से ड्रिलिंग शुरू हुई। केंद्र सरकार की ओर से 3 रेस्क्यू प्लान बताए गए। पहला, ऑगर मशीन के सामने रुकावट नहीं आई तो रेस्क्यू में 2 से 3 दिन लगेंगे। दूसरा, टनल की साइड से खुदाई करके मजदूरों को निकालने में 10-15 दिन लगेंगे। तीसरा, डंडाल गांव से टनल खोदने में 35 से 40 दिन लगेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।